हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट सुमित चौधरी और गाइस दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो गाइस पहले मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि मैं प्रोफेशनली शूट नहीं करता हूं, मैं जिस घर में रहता हूं मैं वहीं शूट कर रहा हूं, जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूं मैं उसी से शूट कर रहा हूं। तो लाइट का या थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी साउंड हो तो उसको इग्नोर करना, ठीक है गाइस। और मेरे चैनल पर जितनी वीडियो आएंगी वो सारी लॉ के रिलेटेड आएगी, IPC CRPC में जितनी वीडियोज़ है वो सब लॉ के रिलेटेड आएगी, मेरे वीडियो जितनी भी आएंगी, ठीक है। तो चलो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो से, जो है IPC की धारा 313 मिसकैरेज ऑफ वुमेन, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड या कोई अदर पर्सन उसका अबॉर्शन करवा देता है उसकी परमिशन के बिना, ठीक है, मतलब उसकी कंसेंट के बिना उसका अबॉर्शन करवा देता है डॉक्टर के साथ मिलकर, उसको पैसे देकर डॉक्टर वगैरह को, उसको कैसे दवाई खिला देता है, ठीक है, कि भाई इससे इसका मिसकैरेज हो जाए, तो उसको IPC की धारा 313 के अंदर 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है गाइस, ठीक है। फाइन भी हो सकता है और दोनों चीज़ भी हो सकती है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। एक बार मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर कोई भी लेडीज़ प्रेगनेंट है, उसका कोई इंसान या उसका हस्बैंड या कोई अदर पर्सन उसका बच्चा गिरवा देता है उसकी मर्जी के बिना, ठीक है, तो ये जुर्म है 313 IPC के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, जो कि सजा है उसके अंदर 10 साल से लेके उम्र कैद तक की, ठीक है। फाइन भी हो सकता है और ये नॉन बिलेबल है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।